अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो 10th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट करनी है। उसका चैप्टर नंबर 10 जो कि उसका चैप्टर नंबर 1 है एक्चुअली, तो इट विल बी अबाउट गैशियस एक्सचेंज। नाम से पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। वी विल स्टडी अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के मतलब हमारे पास कौन सी गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं। हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स में भी, ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स में भी, और उसका पूरा मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो एक्सचेंज ये होता है हर तरह से। ठीक है, दिन को कैसे होता है, रात को कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हर चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन हमारे पास ये बनती है कि इट इज़ एक्चुअली, हम लोग अगर प्लांट्स के टर्म्स में देखें तो डिफरेंट गैसेस एक्सचेंज हैं, और अगर हम लोग एनिमल्स के टर्म में देखें तो गैसेस एक्सचेंज डिफरेंट टर्म है। प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने फूड को मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ लेते हैं। उसके अलावा दे गिव आउट, ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसको जो है ये क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब एयर लेते हैं, और असल में एयर में हम लोग क्या ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन, एंड एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं एनिमल्स, फॉर रिस्पायरेशन, एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, एंड एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिज़ल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी में हो रहा होता है, मीन्स जो रिस्पायरेशन हो रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, गैसेस एक्सचेंज है, कि प्लांट्स ये गैसेस लेते हैं और ये देते हैं, एनिमल्स ये लेते हैं और ये देते हैं। ठीक है, दिस इज़ गैसेस एक्सचेंज। अब जो है हमारे पास, हम लोग इसको रिस्पायरेशन और चीज़ है, ठीक है, और गैसेस एक्सचेंज और चीज़ है। रिस्पायरेशन और गैसेस एक्सचेंज को अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ कर देते हैं। रिस्पायरेशन क्या है, देखो, हम लोग जो फूड खाते हैं, ठीक है, द फूड वी ईट, हम लोग जो भी फूड खाते हैं उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, आप लोग डिफरेंट चीज़ें खाते हो, लिपिड्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। ओके, हमारे पास, हम जो भी फूड खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स, ठीक है, और ये हाई रिच बॉन्ड्स होते हैं, मींस हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो रिस्पायरेशन क्या है कि जब भी हम फूड खाते हैं तो, ठीक है, हमारे अंदर डाइजेशन होती है, जिसके नतीजे में हमारे सेल्स जो हैं वो इन सी एच बॉन्ड्स को तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये बात याद रखनी है, ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से जो है वो सी एच बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है प्लस वाटर रिलीज़ होता है। ठीक है, दिस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिस्पायरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन में याद रखना है कि जब हमारे पास इन सी एच बॉन्ड्स को तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा, यहाँ पर एक और चीज़ बनती है जो कि मेजर एनर्जी का सोर्स है, एंड दैट इज़ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आप 9th क्लास में बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम बुक में देखें तो बुक में हमारे पास यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि सेलुलर रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच द सी एच बॉन्ड्स इन फूड आर ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हो रही है, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडॉक्स रिएक्शन, एंड द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह के रिस्पायरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, क्योंकि इसमें हम ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ नहीं होगी, इट विल बी एनएरोबिक रिस्पायरेशन, ये ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है, सो इट इज़ एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, यहाँ पर फूड मटेरियल को हम कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, बट हमारे पास मेजरली क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ATP। ठीक है, ये क्या हो गया, रिस्पायरेशन की डेफिनेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन की डेफिनेशन, ये गैसेस एक्सचेंज था। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास जो तीसरी टर्मिनोलॉजी है जो कि बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, इट इज़ ब्रीदिंग। ठीक है, वो क्या है,
ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग असल में एक हमारे पास हम एक प्रोसेस को नाम देते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन और गैसेस एक्सचेंज, ये तीनों अलग अलग फिनोमिनाज हैं, ठीक है। मतलब कि हम ब्रीदिंग करते हैं, हम सांस अंदर लेकर जाते हैं, ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना या सांस निकालना, ठीक है। ये ब्रीदिंग हमारे पास होता है, सांस लेना या सांस निकालना। उसके ज़रिए में हम फिर क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज, फिर वहाँ से ऑक्सीजन जाती है। गैसेस एक्सचेंज के नतीजे में जो ऑक्सीजन होती है वो जाती है हमारे सेल्स में, और फिर हम वहाँ पर करते हैं रिस्पायरेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर रिस्पायरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको वापस हम ले जाते हैं लंग्स में, ठीक है। और फिर लंग्स के ज़रिए हम ब्रीदिंग करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आपने याद रखना है, ब्रीदिंग, गैसेस एक्सचेंज और देन क्या होती है, रिस्पायरेशन। एक साइड ब्लॉक दिया हुआ है इन्होंने, ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP फॉर देयर एक्टिविटीज़। हमें एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। अपने जितने भी हमने सेलुलर एक्टिविटीज़ करनी है, जितनी भी हमें ATP चाहिए, तो ATP अगर कम हो जाएगा तो हमारी एनर्जी का असल में लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है।